अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2 साल के बच्चे की डिज़ाइन वाली शलवार बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे, जो कि हमने लेनी है 22 इंच। इसका आसन है हमारे पास 9 इंच और इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो है तकरीबन 11 इंच। अब हम सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। हाँ जी, तो हमने कपड़ा सेट कर लिया है। अब हम लेंथ पे निशान लगा लेंगे 22 इंच पे। ये हम 11 इंच पे निशान लगा दिया कटिंग का मार्जिन रखते हुए, और ये भी हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो हमें तैयार आसन चाहिए वो 9 इंच है, लेकिन हमने 11 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारा बॉटम है, जो कि हम थोड़ा सा खुला रखेंगे क्योंकि हमने इसके बॉटम पे डिज़ाइन बनाना है जो नट्स का। ये हमारी मर्जी होती है कि बस कपड़ा कितना है उसके अकॉर्डिंग हम इसका बॉटम रख सकते हैं, फिर प्लेट्स उसके हिसाब से डाली जाती हैं। अब हम एक आड़ी लाइन लगा लेंगे इसके साथ ही। और ऊपर नेफ पे हम 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। सारी मार्किंग करने के बाद मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी। आधा इंच अंदर रखते हुए हम मियानी की शेप करेंगे। अब हम कटिंग करने लगे हैं। 22 इंच जो हमने लेंथ ली थी उसमें से हम 1 इंच शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि नीचे चुनर्स डालने के बाद हमने नीचे पट्टी लगानी है सेपरेट से। तो ध्यान से हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। अब हम बॉटम के लिए पट्टी काट लेंगे सेपरेट से। तकरीबन 2 इंच जिसको डबल फोल्ड करते हुए लगाएंगे। हमने 2 ट्विंस बच्चों की ये शलवारें कटिंग करनी है। एक ही कटिंग करने का पूरा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, तो साथ ही में एक दूसरे बच्चे की भी करनी है सेम ऐसे इसी स्टाइल में इसी कलर में सब कुछ सेम। इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहले हम इसके बॉटम में चुनर्स डालेंगे, उसके बाद नीचे ये पट्टी लगाएंगे। ये देखें जी, मैंने 2-2 इंच का इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ जिसके निशान लगा रही हूँ मैं।
इस तरीके से अब मैं थोड़ा सा कट लगा लूँगी। ये देखें जी, मैंने दोनों अलग अलग शलवारें कट कर ली हैं। ये दो बच्चों की शलवारें हैं। अब मैं इसको सिलाई करने लगी हूँ। सबसे पहले वो कट वाले पकड़ते हुए मैंने दो दो इंच पे प्लेट्स डालनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता ही है। ये देखें जी, हाँ मैंने इस तरीके से प्लेट्स डाली हैं, उल्टे रुख के प्लेट्स दोनों साइड्स पे। अभी दूसरी साइड पे डालने लगी हूँ। हाँ मैं पट्टी लगाने लगी हूँ। आपकी मर्जी है, आप नीचे कोई बुकरम या चेप चेपी या कोई लेस वगैरह भी लगा सकती हो, लेकिन मैं सिंपल ही पट्टी लगा रही हूँ। अब मैंने पट्टी के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरे डिज़ाइन की समझ आ रही होगी। ये देखें जी, मैंने दोनों शलवारें रेडी कर ली हैं दोनों बच्चों की। अब मैं इसको डिज़ाइन इसका खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितना प्यारा डिज़ाइन है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।